डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हेडिंग डालिए आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ क्रिस्टांत है, क्रिस्टांत एक्चुअली क्या है, थोड़ा ये अलग टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत आसान है जो आपने पूछा है, ठीक है, दो ऑप्शन तो मुझे समझ में आ रहे थे यही सही होंगे, तो पहले पढ़ लो इसको तो समझ में आ जाएगा, अपने से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, चलिए देखते हैं क्या होता है, पहले थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इस पर टाइम नहीं लेंगे गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लीजिए इफ अ रिलेशन, इफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, देन पहले हमें लिख लो, मैं तो समझा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एक्स देन वाई, वाई इज अ, वाई इज लिखेगा, वाई इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, देन वाई इज क्या होता है, वाई इज का शॉर्ट भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y is called implicit function of x, then y is called implicit function of x, note kar liya, चलो देखो मीनिंग समझाता हूं मैं, देख लीजिए मीनिंग क्या होगा, चलिए देखिए इधर, मैंने ये लिखा कि एक ऐसा रिलेशन हो x और y के बीच में, अगर y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, अगर y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस न किया जा सके तो y को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, कैसे, सुनिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है, अभी लो क्रिस्टांत सुन रहे सभी लोग, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि x x y is equal to x cube plus y cube, x y is equal to x cube plus y cube, और हमें y आपसे कह दे कि y निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले y को इधर लाओगे, अगर सिर्फ y चाहिए, y cube इधर आ गया, x cube हो गया, इसमें देखो y कॉमन है तो x minus क्या होगा y square हो गया, और इसको अगर आप कॉमन में ले जाएंगे, अब बताओ क्या y जो है x के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, नहीं ना, क्योंकि अगर देखिए अगर y इक्वल टू ऐसे कुछ आता होगा 1.2x + 3, यानी इधर x के ही फॉर्म में था, y नहीं हो सकता, सिर्फ y है, y के इक्वल, अगर y कैन बी एक्सप्रेस हो जाता तो हम इम्प्लिसिट ना कहते, बट देखिए यहां पे y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, यहां भी y बच जा रहा है, y इक्वल है जो भी y है, और x भी मिक्स अप है, सीधा y नहीं निकल रहा पूरा पूरा प्योर इन टर्म्स ऑफ x, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आयुष बोलो, डाउट है, तो देखिए अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, देख लीजिए सभी लोग अच्छे से, चलिए अब ये बताओ सभी लोग, अगर यहाँ पे अगर हम आपसे बोलते हैं भाई x क्यूब लिखा है, थोड़ा अभी ना यहाँ पे देखिए जो x cube लिखा y के रिप्लेस पे, ये x के ही टर्म में है कि नहीं, अभी ना बोलो, तो आप लिखिए तो ये हो गया, अब अगर सपोज करो अगर यहाँ पे हम लिखते y cube लिखते, यानी y y के रिप्लेस पे y cube लिखा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, 3y square होगा, बट
इनटू करके आपको dy dx लिखना है। अच्छा क्यों लिखना है, क्योंकि इंप्लीसिट कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट चेंज है, ये x है ये y के रिस्पेक्ट में, अगर रिस्पेक्ट चेंज है समझ जाना हो गाइस क्या है इंप्लीसिट फंक्शन। और देखो सिंपल तो आपने y क्यूब 3y स्क्वायर हो गया इनटू dy dx, अगर ये y है तो dy dx लिखे। और देखिए अगर मान लीजिए x के फॉर्म में आप t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का 2t हो गया, अरे वही फॉर्मूला जैसे x स्क्वायर होगा 2x हो जाता, और इनटू भी क्या लिखेंगे यहां पर t है ना तो dt y है तो जो भी रिस्पेक्ट होगा वही लिखेंगे, x है तो dt dx होगा, t है तो dt dx, यहां भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज करो ये ऐसा है जल्दी ऐसा x के फॉर्म में मिलता है, अगर मान लो यहां p है और यहां पे क्या है x है सपोज करो x क्यूब तो 3x स्क्वायर तो होगा, तो ये dx यहां x का देखिए रिस्पेक्ट चेंज है सेम रिस्पेक्ट नहीं है तो dx / dp होगा कि नहीं होगा बोलो। क्या हुआ है वीडियो नहीं शो कर रहा, आप लोग का शो कर रहा है आपसे क्या है क्रिस्टान बताइए, अगर ये पी क्यूब लिखा है देखिए रिस्पेक्ट चेंज समझ जाएंगे इंप्लीसिट है 3p स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे p के फॉर्म में तो क्या होगा dp dx होगा नहीं होगा क्रिस्टान बोलो क्रिस्टान नहीं आया यार इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको, इसीलिए तो नहीं है डेटा वेटा थोड़ा रखा करिए सही से। और दस जियो का है और आगे 10 रुपए करा लिया करिए, अभी बड़ा पैक कराए 10 रुपए का आता है ना उसमें से, और माय जियो ऐप पे जाके एक्टिवेट करना पड़ता है मगर उसके डायरेक्ट नहीं होता है। 10 रुपए का 1 GB है तो 2 दिन चल जाएगा, मान लो आपको थोड़ा बहुत घटता है आराम से दो दिन चल जाएगा एक क्लास के लिए। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इंप्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है
देखिए हम लोग बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये हुई, ये हमने ये बोला था कि x और y के मतलब उसमें है, मतलब कोई ऐसा रिलेशन x और y के फॉर्म में है, ठीक है। ये देखिए अभी हमने क्या बोला था, x y is equal to x cube plus y cube है, ठीक है, क्लियर है। ये x और y के फॉर्म में रिलेशन है कि नहीं है। अब हम आपसे इसमें ये कह रहे हैं कि आपको y निकाल के देखो इन टर्म्स ऑफ x, और अगर y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंप्लिसिट। अगर y नहीं निकल पाए इन टर्म्स ऑफ x, देखिए अब हमको y अगर निकालना तो y वाली टर्म एक तरफ पे रहेंगे, तो y कॉमन है तो x माइनस y स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए आप कॉल में जाएगा, अब ये बताओ, अब देखो क्या y जो है इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट हुआ है, बताइए अब ना। यहाँ भी y है इधर भी y, तो कहाँ है ये इन टर्म्स ऑफ x? अगर y इक्वल टू सपोज बाय 2x माइनस प्लस कुछ भी होता, बट x की फॉर्म में होता, नंबर से मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है कि ये y के बराबर है, तो ये इंप्लिसिट नहीं होगा, बट ये फंक्शन इंप्लिसिट होगा क्योंकि y यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर है? अच्छा, जो आगे डिफरेंशिएशन समझाया था, समझ में आया था ना? चलिए अब हम आगे करके बताते हैं। देखिए इधर करके बता रहे हैं, जैसे देखिए इधर आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे जैसे दिया 2x plus 3y is equal to sin y, sin y ध्यान दीजिएगा, और आपसे ये बोल रहा है फाइंड के लिए dy dx। सुन रहे सभी लोग, बोलो। तो आप देखिए आइए ध्यान से सभी लोग, ये देखिए इधर, ये है हमारा क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to sin y, और इसे डिफरेंशिएट करके गाइस हमें क्या निकालना है, dy dx। अब इधर चलो पहले अलग से बताओ, ये एक सेकंड देखिएगा, ये 3y लिखा हुआ है, क्या होगा डिफरेंशिएशन? देखिए ये x है, ये y के रिस्पेक्ट में करना वैसे ही है ना, सोचिए अगर ये सपोज करो 3x होता तो 3 होता कि नहीं होता, कि नो बोलो। तो इसी तरह ये भी 3 होगा। चलो अच्छे से समझिए, कांस्टेंट आप बाहर लाओ, जैसे इसमें आप 3 बाहर लाते हैं, ऐसे देखिए 3 और dx x हो जाता, और जब ये फार्मूला लगाते इसकी पावर 1 और 1 साइड पे आता तो इसकी डिग्री 0, सेम थिंग यानी 1 हो जाता 3 × 1। इसी तरह इसमें भी देखिए, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये 3y है, ठीक है, और 3y का तो क्या होगा, 3 होगा, जैसे 3x का 3, बट इंटू क्या होगा dy dx। देख लो ध्यान से, यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटू क्या होगा dy dx, ये आंसर होगा। अच्छा एक काम करो, रीज्वाइन कर लो पहले, टाइम एंड हो रहा है, स्पीड कर दे रहे हैं, एक ही मिनट बचा हुआ है, रीज्वाइन कर लो पहले। कितना बताया अभी, चलो चलो आगे देखो, मैं बताता हूँ आपको। अब आपको जैसे ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करके dy dx निकालना है, तो देखिए सभी लोग पहले आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आगे लिख देंगे बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो देखिए इसमें भी dx आएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, ये 2x हो गया, इस वाले में भी देखिए ये 3y है x के रिस्पेक्ट में, और इधर भी ddx क्या होगा sin y, क्लियर है? अभी ना देखो ये, अभी ना ध्यान से देखो सभी लोग, दोनों का रिस्पेक्ट सेम है, सिंपल फंक्शन है, तो 2x का 2 हो गया, बोलो। ये देखो ये रिस्पेक्ट चेंज है, ये y x के फॉर्म में, 3y का वही पहला फॉर्मूला है 3 होगा, बट इनटू क्या होगा dy dx होगा कि नहीं होगा, मिलाओ बोलो। ये वाला भी पता इंप्लिसिट फंक्शन है कि नहीं है, बोलो। तो sin y का तो वही होगा नॉर्मल, जो होता है वही होगा सब कुछ, cos y का कि y के रिस्पेक्ट में इसमें इनटू dy dx होगा, बताओ इधर समझ में आया कि नहीं आया पहले? अब एक सेकंड, अब हम लोग को क्या निकालना है dy dx, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी dy dx वाले टर्म होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, और जो भी होगा नंबर या कोई टर्म्स और होगा आप चेंज ले जाएंगे। तो देखिए dy dx का टर्म इसको इधर लाते हैं, ये 3
डी वाई डी एक्स, एक टर्म ये है तो माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और ये जो टू है इधर आएगा माइनस टू हो जाएगा एक्स। आप देखिए इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन है, थ्री माइनस कॉस वाई होगा, ये माइनस टू या अपॉन में चला जाएगा। तो देखिए डी वाई डी एक्स इस पर हो गया माइनस टू अपॉन थ्री माइनस कॉस वाई। बताओ नहीं है सॉल्व में, ये क्वेश्चन लिया था उसी को करके दिखा रहा हूँ। एक्स वाई इस पर क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग समझ जाइएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या लिखेंगे बोथ साइड याद रखिएगा, ठीक है। पहली बना सेंटेंस जरूर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या चाहिए आपको, पहले लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दिया करो, इतना समझ में आया। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बताओ, आयुष किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हम लोग नीचे क्या लेंगे dx लेकर यहां t लिखते हैं तो dt, मगर याद रखिए फाइनली कोर्स के हिसाब से आपसे dy dx ही पूछता है, तो x के ही रिस्पेक्ट में करना होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए इसमें आ गया डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन आ गया, इस वाले में डिफरेंशिएशन आ गया y क्यूब में। अब हमें ये बताओ आपने ये फार्मूला पढ़ा था 12 21 प्रोडक्ट रूल वाला, बताओ अभी तक सुना पढ़ा था, अब थोड़ा इसको देखो इसमें कितने टर्म लिखे हैं इनटू में, x इनटू y तो दो टर्म है कि नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, तो ये x हमारा पहला फंक्शन और y हमारा समझ जाएगा और y हमारा सेकेंड फंक्शन, क्लियर है, बताइए किस बात बताया ना आप लोग को ये फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल भी बताया था आपको, ये समझ के ना कैसे लिखते, जैसे मान लो दो फंक्शन है, एक एफ वन एक्स है और दूसरा एफ टू एक्स है, वन का मतलब होता है पहला फंक्शन एफ वन एक्स, बीच में इनके डी डी एक्स आएगा, और फिर टू का मतलब एफ टू एक्स हो गया, प्लस है प्लस बनाओ, फिर टू का मतलब फिर एफ टू एक्स हो गया, और फिर जगह दिख रहा है नीचे लिख देते हैं फिर डी डी एक्स, वन का मतलब एफ वन एक्स हो जाएगा, समझ गए, समझ गए, बोलो। तो वैसे ही देखो गाइस ये अरेंज हो जाएगा, एक्स पहला फंक्शन वाई दूसरा, तो देखिए अरेंज के लिए मार्क वन वन का मतलब पहले एक्स लिखा, बीच में क्या आएगा डी डी एक्स आएगा, तो देखिए इसको हमने अरेंज किया x और y, ये पहले x लिखा, फिर देखिए वही 12 21 से dx हो गया, सेकंड फंक्शन y हो गया, प्लस 2 का मतलब फिर y, फिर dx का मतलब फर्स्ट फंक्शन ये x हो गया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना अरेंज करना, अब डिफरेंशिएट कर दो, देखिए ये x अपने जगह है, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अब देखो ये इंप्लिसिट फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखो, ये x है ये y, तो जाहिर सी बात है इनटू क्या होगा dy dx होगा कि नहीं होगा, बताओ y अपने जगह, देखिए ये रिस्पेक्ट सेम है, सिंपल फंक्शन है, x का 1 हो जाएगा, इनटू इनटू कुछ नहीं लिखना है क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट सेम है, फिर आगे चलते x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्या इसमें कुछ इनटू होगा, लेकिन इस पे सिंपल फंक्शन है ना, इसमें देखिए ये 3y स्क्वायर होगा बट इनटू dy dx होगा कि नहीं होगा, यदि हमें y फंक्शन और dy t होता तो dt dx लिखते, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब एक काम करिए dy dx रहता है एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड कर लो, तो देखिए कि dy dx है x के साथ, लेकिन x into 1 तो x होगा, तो x into dy dx, और इसको देखिए प्लस इधर लाएंगे माइनस 3y स्क्वायर dy dx is equal to 3x square, ये वाला, और ये जो प्लस y बंदर y होगा प्लस y इधर आएगा माइनस y, अरे शिफ्ट किया यार dy dx एक तरफ किया है और सारे टर्म आर्चेस ले जाना है, तो इसमें देखिए dy dx कॉमन है x माइनस 3y का स्क्वायर और ये 3x square माइनस y ये अपॉन में चला जाएगा, तो dy dx is equal to 3x square माइनस y x माइनस 3y स्क्वायर, बताओ डाउट है किसी को, एक दूसरा क्वेश्चन दिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, पहले याद करो पावर वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो डायरेक्ट,
पहले ये कहा था जैसे साइन क्यूब एक्स है, जैसे एक्स क्यूब को होता है 3x² डिफरेंशिएशन होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो ये बताओ इसका भी वैसे ही होगा, 3 sin² x होगा और साइन एक्स का फिर से कर दो कॉस एक्स हो जाएगा, याद है कॉन्सेप्ट पावर वाला, बोलो। लास्ट टाइम जब आपको चेन रूल में पावर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, रूल वाला बताया था, याद करो डायरेक्ट भाई, 3 sin का है जैसे जैसे ये वाला हो वैसे इसका हो गया, और साइन का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। बताइए अगला सूत्र बोलो, और तो नहीं है, चीज बना चुके हाँ, तो देखे इधर याद दिलाया होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कैसे लेके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए यहाँ पे इस पे डी डी एक्स आ गया प्लस डी डी एक्स इस पे आ गया कॉस स्क्वायर वाई, फिर डी डी एक्स पे आ गया वन, ठीक है ना। अब आप खुद देख लो ये वाला सेम कॉन्सेप्ट, देखिए ये साइन स्क्वायर है 2 sin x होगा और साइन का फिर से कॉस एक्स हो जाएगा गाइस, फिर इसी तरह इसमें देख लो 2 cos y होगा, cos y का फिर से माइनस साइन y हो जाएगा, पर ध्यान से देखो ये इम्प्लीसिट है अभिनव शुक्ला, तो इंटू dy dx होगा कि नहीं होगा, और 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बताओ डाउट है किसी को, अभी बोलो। डाउट नहीं है बोलो। अच्छा ये बताइए कि उसमें 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin θ = 2 sin θ cos θ, तो अगर इसके बराबर ये होता तो इसके बराबर ये भी हो सकता है ना, ये sin 2x लिख लो, मतलब नहीं बिल्कुल चलेगा, ये माइनस इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया और ये भी हो जाएगा, देखिए साइन 2y हो जाएगा, देख लो बस y के फॉर्म में इंटू dy dx, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना dy dx, तो एक काम करते हैं इसी को उधर ले लेते हैं, ये माइनस वाला साइन 2x ही माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटू dy dx, इंटू का साइन है और ये कहां आ जाएगा, देखिए ध्यान से अपॉन में आ जाएगा, ये देखिए साइन 2y हो जाएगा और dy dx हो जाएगा, बताओ डाउट है किसी को, बोलिए मीना शुक्ला, कृष्णकांत, आयुष, देखिए कल का टॉपिक तो बहुत ही डेंजरस होने वाला, देखिएगा ये y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x डिफरेंशिएट करके dy dx निकालता है। चलिए निकालिए इसका आंसर, देखो मैं लिख दे रहा हूं, आंसर आएगा इसका, आंसर है माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई, क्या हुआ डिफरेंशिएटिंग बोथ, पहले वही लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए इसमें डी डी एक्स आएगा एक्स वाई में, फिर इसका भी डी डी एक्स आएगा, इतना किया कि नहीं किया, इधर वाला टैन एक्स पे डी डी एक्स आएगा,
डीडी भी डीडी एक्स आएगा। अब देखिए यहाँ से ये प्रोडक्ट रूल है, अभी कुछ देर पहले बताया था जब अरेंज करेंगे एक्स पहला फंक्शन फिर वाई फिर वाई डीडी एक्स क्या होगा एक्स होगा ठीक है, और सारे टर्म बना लो वही चीज ध्यान दीजिएगा फिर भूल लिखा नहीं है। अब देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी हम, ये एक्स हो गया y का वन होगा बट इम्प्लिसिट डी वाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा, ये y ये नॉर्मल फंक्शन x का क्या हो गया वन हो गया प्लस ये वाला ध्यान देखिए टू वाई होगा इसको देखते हुए लिखा नहीं यहाँ पे, और देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है इंटू डी वाई डी एक्स होगा, ये टेन एक्स ये भी x है तो देखिए नॉर्मल फंक्शन से एक स्क्वायर x, फिर ये देखिए y है इंटू y का वन हो जाएगा इसे x का वन होता है बट इम्प्लिसिट है तो डी वाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा बताइए, डाउट है भाई, कोई अगर दिल पे लग रहा हो तो बता दिया। अच्छा ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया,